चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि आमरण अनशन पर बैठे पार्षद को पुलिस ने उठा दिया है। अनशन स्थल पर मौजूद पार्षदों के साथ धक्का मुक्की भी की गई और पिछले तीन दिनों से ये पार्षद निगम का अनशन पर बैठा हुआ था। निजी स्कूलों के फीस माफी को लेकर के अनशन किया जा रहा था। देर रात को पुलिस ने पार्षद को उठा करके अस्पताल पहुंचा दिया। आमरण अनशन के चलते पार्षद की हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस की धक्का मुक्की के बाद और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताराचंद, क्या कुछ जानकारी इस पार्षद को लेकर के इस वक्त? जी देखिए, अनशन यहां पर चल रहा है फीस माफी को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, और लगभग डेढ़ महीने से ये अनशन चल रहा है यहां पर, और उसी को लेकर लगभग पीछे एक हफ्ते से जो पार्षद थे नगर निगम के, लगभग 20 से 25 पार्षद हैं जो फीस माफी को लेकर आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया था, और उसी को लेकर दो दिन पहले भी पुलिस ने कुछ लोगों को वहां से उठाया था, लेकिन उसके बाद जो उनका अनशन था वो खत्म करवा दिया गया था। उसके बाद फिर कुछ लोग कल से फिर वहां पर धरने पर अनशन पर बैठ गए, और उसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, और देर रात जो अनशन स्थल था वहां पर पहुंचकर कुछ पार्षदों को वहां से जबरन उठाकर उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, क्योंकि उनमें से कुछ की हालत बिगड़ रही थी और उनका जो शुगर लेवल था नीचे जा रहा था, और एहतियातन पुलिस ने फिलहाल जो ये अनशन चल रहा था उसको खत्म करवा दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताराचंद तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि उत्तराखंड में आईएएस मंगेश निल्याल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ में अनुसचिव के पद पर 4 साल के लिए उनको तैनात किया गया है। केंद्रीय विभाग से पत्र तेजी से ब्यूरोक्रेसी में वायरल हो रहा है। पत्र की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा समय में टिहरी के डीएम मंगेश निल्याल अगले हफ्ते तक दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि डीओपीटी से सीधे ये पत्र राज्य सरकार के पास पहुंचा, जल्द इस पर सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ है। रतन, आईएएस मंगेश निल्याल को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, उत्तराखंड के कैडर के साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी मंगेश गिडारी को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली है। टिहरी के जिलाधिकारी होने से पहले वो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी थे, और बता दें कि उस दौरान केदारनाथ धाम के तमाम पुनर्निर्माण के कार्यों की बात हो, केदार घाटी के बासिंदों के दुख तकलीफ की बात हो, उस सभी में मंगेश निल्याल का अपना महत्वपूर्ण उन्होंने यहाँ पर भूमिका निभाई थी, और उसी के मद्देनजर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट था केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य, वो आज भी है, उस पर लगातार कार्य चल रहा है। तो इसी जो मंगेश निल्याल है वो चर्चाओं में है, उनकी जो ईमानदारी की अगर बात की जाए, उनके कार्य करने की कार्य कुशलता की बात की जाए, तो वो उस तरह से ही कह सकते हैं कि नजर में थे पीएमओ के कार्य लेके, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका प्रमोशन यहाँ पर हुआ है, और उनको निश्चित तौर से यहाँ पर बड़ा लाभ, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब वो मंगेश निल्याल जो है वो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है वो पीएमओ के अनुसचिव के पद पर अगले 4 वर्षों के लिए तैनात होने जा। बिल्कुल रतन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर चमोली से बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि एक क्रेन खाई में गिर गई चमोली के इलाके में, और ट्रोला को निकालने के लिए ये क्रेन यहां पर पहुंची थी लेकिन खुद ही खाई में गिर गई। ट्रोला फंसा होने से निजमुला मार्ग अभी भी बंद है। चूरा पानी इलाके का पूरा मामला, यहां पर एक क्रेन मंगवाई गई थी, उस क्रेन की हालत क्या हुई वो आप तस्वीरों में देखिए। ये क्रेन गहरी खाई में जा गिरी, खिलौने के माफिक दिखाई दे रही है आपको तस्वीर में, लेकिन दरअसल ये क्रेन ट्रोले के लिए मंगवाई गई थी, खुद ही डिसबैलेंस हुई और अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, जिसके बाद की ये तस्वीर है। अभी सिरापान इलाके का मामला है जहां पर ये मार्ग अभी खुल नहीं पाया क्योंकि क्रेन भी हादसे का शिकार हुई है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रोले को निकालने के लिए गई क्रेन खुद हादसे का शिकार हुई, खाई में गिर गई। आगे बढ़ेंगे, काशीपुर में आईटीआई थाना इलाके में गाड़ी चोरी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल जिसे देखते हुए अपर अधीक्षक राजेश भट्ट के नेतृत्व में वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में एक टीम का गठन किया गया, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते चेकिंग के दौरान एक नाबालिग के साथ एक स्कूटी समेत 4 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया है, दोनों को पकड़कर जेल भेजा गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक नाबालिग शामिल है। एक वाहन चोर के साथ साथ
वाहन चोरी के आरोप में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अजीम खान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अजीम, क्या कुछ जानकारी? लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच पुलिस को कामयाबी मिलते हुए कहीं दिखाई दी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र का यह मामला है। एसएसपी के निर्देश पर जो है वाहन चोरी का जो है पुलिस समय समय पर चेकिंग अभियान चलाती रहती है। इसमें एसपीओ और एडिशनल एसपीओ और कप्तान के दिशा निर्देश में जो है वाहन चेकिंग अभियान चल रहा, पुलिस चला रही है, लगातार जारी रहता है पुलिस का अभियान। पुलिस ने भी वाहन चोरों को इसमें गिरफ्तार किया। मुझे एक नाबालिग बताया जा रहा है और एक जो है बालिग है। एक काफी समय से वाहन चोरी में जो है लिप्त पुलिस ने इनके जो है वाहन चेकिंग के दौरान जो है वहां पर पकड़ा और इनसे जो है वाहन बरामद किए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम तमाम जानकारी के लिए। उधर उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी और पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1115 नए केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 30,000 के पार अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 9,700 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की वजह से 402 मरीजों की जान अब तक जा चुकी है। तमाम एहतियात के बावजूद भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार आए दिन आ रहे नए मामले चुनौती और चिंता पैदा किए हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कोरोना को लेकर के, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष गौड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी कोरोना को लेकर इस वक्त? बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा तो कहीं ना कहीं चिंता भी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में प्रदेश में अभी तक सबसे अधिक केसेस यानी कि 1115 केसेस देखे गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं और बदलती हुई उत्तराखंड की नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें टोटल पॉजिटिव केसेस लगभग 30,000 के पार पूरे प्रदेश में हो गए, जबकि इनमें से एक्टिव केसेस 9,781 हैं। हालांकि रिकवरी जो पेशेंट है उनकी बात करें तो 20,000 से ज्यादा पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, लेकिन कोरोना से लगभग 402 लोग अपने प्रदेश में जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो चिंताएं हैं वो बेहद अधिक बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। हालांकि स्थितियां लगातार इस तरीके से बदल रही हैं और राजधानी देहरादून में भी अगर बात करें तो लगभग 2,000 से अधिक यानी कि जो मरीज हैं वहाँ हैं। ऐसे में स्थितियाँ कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून की सबसे अधिक बदलती हुई नजर आ रही, क्योंकि दून में ही सबसे अधिक मरीज पूरे प्रदेश में पाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, तो यहाँ कहीं ना कहीं अब जो स्थितियाँ हैं कोरोना के चलते वो और खराब है, क्योंकि रोजाना जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और अब स्थिति ऐसी है कि 1,000 से अधिक मरीज रोजाना प्रदेश में पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब चिंताएं जरूर बढ़ती हैं। और साथ ही अब जरूरत है स्वास्थ्य विभाग और सरकार को कुछ ऐसी नीतियां निकालने की जिस वजह से प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल सुभाष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रोजगार को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि 3.5 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं किया, जिससे बेरोजगारी की स्थितियां भयानक होती जा रही हैं। ऐसी सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं रखती, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। वहीं पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता पालीवाल ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार या तो युवाओं को रोजगार दें या फिर गद्दी छोड़ दें। प्रदेश का बेरोजगार युवा अपनी डिग्रियों को जलाने पर मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और थाली बजा करके सरकार का ध्यान आकृष्ट किया बेरोजगारों पर। और ये मांग की है कि राज्य में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जहां पहले से कई लोगों की नौकरियां छूटी हुई है, वहीं राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जा रही है, जिसके चलते युवा बेरोजगार है और साथ ही साथ परेशान भी है।
उधर केंद्र सरकार की जुमलेबाजी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिंदू पंचायती धर्मशाला में इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार और प्रदेश के सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जुमलों की सरकार है। देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहकर मोदी जी ने बेरोजगारों के जज्बातों से खेलने का काम किया है। ये प्रदर्शन की अलग अलग 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। प्रदेश भर में बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सड़क पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रामनगर, मसूरी, कोटद्वार, जोशीमठ, हरिद्वार, हल्द्वानी, तमाम जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बेरोजगारी के चलते प्रदेश और देश भर के युवाओं में भी आक्रोश है। मांग की जा रही है लगातार सरकारों से कि सरकारी नौकरियों को खत्म नहीं करें, निजीकरण नहीं करें, बल्कि नौकरियां युवाओं के लिए निकालें जिससे युवाओं को रोजगार मिल पाए। और इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर है। तो उधर देहरादून में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर में धरना और प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि रोजगार दो या तो, वरना गद्दी छोड़ दो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। रोजगार नहीं देने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो को लेकर के प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सर लगातार रोजगार की बात निकल कर आ रही है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है और देश का भी बेरोजगार है। ऐसे में कांग्रेस जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, आने वाले समय में और कितने उग्र आपके प्रदर्शन और क्या कहना चाहते हैं? त्रिवेंद्र रावत कहते हैं कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाने में आप सहयोग दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन आज कहीं पर भी नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और नौजवान साथी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। थाली भी पीट रहा है, ताली भी पीट रहा है, लेकिन सरकार के कान पर चू नहीं है। और नौजवान साथियों की इस पीड़ा को जो है कांग्रेस पूरी तरीके से और मजबूती के साथ सड़कों पर उतर करके पूरा करने का काम है। आज हमने एक सांकेतिक धरना पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर दिया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी, सरकार नहीं जाएगी, तो पूरे प्रदेश के अंदर हम व्यापक आंदोलन चलाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या उनके मंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार थी। आप ही बताइए आपने कितना रोजगार दिया। आज आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके मंत्री लगा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तक कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करते हैं। ओपनर के माध्यम से जो रोजगार मिला है वो रोजगार किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? और समय समय पर जो है सरकारी नौकरियों में भी नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अब हमसे मत पूछिए भाई, सत्ता आज आपके पास है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को सरकार में नहीं मानती, वो आज भी कांग्रेस को सरकार में मानती। हमसे क्या हिसाब पूछ रहे हैं? हमसे हिसाब पूछेगी तो प्रदेश की जनता पूछेगी। आज नौजवान साथी सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ है, तो ये जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। सरकार में इसका मतलब ये है कि जो नौजवान साथी रोजगार कर रहा है, रोजगार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है, वो कांग्रेस का है। क्यों वादा किया आपने, क्यों कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाई, हम नौजवानों को रोजगार देंगे? किसने कहा था कि आप उसको कहने के 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने की बात कही थी कि नहीं कही? और ये किसने बोला था कि क्या नाम, आप पकौड़े तल के रोजगार ढूंढो? ये किसने बोला? ये हमने बोला, तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। तो भावनाओं पर खेल करके वोट हासिल करने की जो फितरत बीजेपी की है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। एक सवाल कर रहा हूँ, नए प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस को मिले हैं, क्या कुछ अब किस तरह से कांग्रेस को मजबूती के साथ आपके नेतृत्व में मिशन फतह करने की होगी? नहीं देखिए, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है नए प्रभारी के रूप में जो है देवेंद्र यादव जी प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, नौजवान है, और मैं समझता हूँ कि वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए हम सब के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे और 2022 में
कांग्रेस को जो है फतेह दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रीतम सिंह लगातार संघर्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखते हैं त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो का कार्यक्रम लगातार प्रदेश भर में किया जा रहा है। हरीश रावत अपने घर में उपवास पर बैठे हैं और यकीनन उत्तराखंड में कांग्रेस को नए प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मिले हैं। अब आने वाले समय में कांग्रेस के जो आंदोलन है वो और उग्र होंगे। कांग्रेस की जो अब स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा में 11 की है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति 11 से बढ़कर कितनी होती है, क्या कांग्रेस सरकार बना भी पाती है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ होगी भारतीय जनता पार्टी। सुभाष के साथ रतन नेगी, इंडिया न्यूज। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि त्रिवेंद्र रावत या तो रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो, इसी नारे को लेकर पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में इस बार आप देखिए 10 बड़ी खबरें।